हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे ज़रूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोशिश अगर अच्छा इंसान बनने की और कोशिश बहुत सारा पैसे कमाने की। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि इंट्रोडक्शन अच्छा होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, कैसा होता है कि अगर आप कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे कि उसकी पैकेजिंग बहुत ख़राब है तो आप उसे लेते नहीं हैं। तो वैसा इंट्रोडक्शन वीडियो का ये, जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको बोलता है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मांगता है। जब आप उसको इंट्रोड्यूस बोलते हैं, यार क्या वीडियो भेजा, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, ठीक से चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो वो हटा देता है, देखता भी नहीं ठीक से, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, उसके पास टाइम नहीं है तो ध्यान देने के लिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं तो अच्छे से बनाइए, अच्छे से लाइटिंग में बनाइए, अच्छे से कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड भी ठीक ठाक हो। नहीं तो मेन तो लाइटिंग का ही, आपके चेहरे पर अच्छी खासी लाइट आनी चाहिए, ये बात जरूर है। बैकग्राउंड अगर 19-20 रहता तो ठीक है, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्लस ज़्यादा साउंड में आपको बनाना नहीं है इंट्रोडक्शन वीडियो, थोड़ा आजू बाजू साइलेंस रहेगा तभी आपको बनाना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जैसा शोर शराबा रहेगा, यार इसको हटाओ, इसका बहुत ये हो रहा है, दूसरे को देखते हैं। तो अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी रहेगी तो आप उठा के एक बार देखो, यार इसको पैकेजिंग अच्छा बना, देखते ही क्या है। लड़का थोड़ा लग रहा है कि डिसिप्लिन में है, एकदम उसको नॉलेज है कैसे कैमरे का, लाइटिंग वीटिंग का। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो यही था छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।